जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो रूम लेके किस प्रकार रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर हमारे वीटू भाई साहब रेडी हो रहे हैं। भाई साहब का रूम जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक एटा में पढ़ाई करते हैं, तो इस प्रकार का रूम आपको यहाँ मिलता है और यहीं पे आपको किचन वगैरह खाना पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, यहीं पे आपको सारी चीज़ व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं होता है बाहर रह के पढ़ाई करना। और क्या ये भी एक स्टूडेंट का रूम है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी मतलब बड़ा रूम है और ये इसमें तीन लोग रहते हैं। और ये जो आप अक्सर देख पा रही है इनका नहीं है, जो रूम मालिक है इन्होंने रखा हुआ है। और ये भाई साहब का रूम है जो कि मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ते हैं। तो गाइस ये जो बाहर रहने की ज़िंदगी है वो इतनी आसान नहीं होती है, संघर्ष तो होता है और लाइफ में जब संघर्ष होता है तो सफलता भी बहुत ही बेहतरीन होती है। तो सफलता जो है वो संघर्ष से ही मिलती है, इसीलिए संघर्ष हमेशा करते रहिएगा, क्योंकि संघर्ष नहीं करोगे तो सफलता का जो मज़ा है वो मज़ा आपको नहीं महसूस होगा। तो ये अभी ज़िंदगी है, तीन साल जो पॉलिटेक्निक होती है, इसके बाद आप जॉब करेंगे तो अलग ही प्रकार का मज़ा होगा, या बीटेक करेंगे तो इसके बाद जब सफलता आपको मिलेगी तो ये दिन जो है वो आपको बहुत याद आएंगे। तो मैं कहूँगा ये जो आपके पल हैं वो ज़रूर किसी ना किसी रूप में आप कैद कर लें, जैसे कि आप जब सफल हो जाए तो देखें आपको बहुत सुकून मिलेगा। और मैं आ चुका हूँ अभी ऊपर और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है ऊपर, तो मज़ा ही आता भाई। और ये एक भाई का रूम है, तो ये वैसे हॉस्टल में रहा करते थे, लेकिन जो हॉस्टल है इस राजकीय पॉइंट एटा का वो एक साल के बाद आपको छोड़ना पड़ता है, इसका रूल है। और ये गाइस कुछ प्रकार का रूम है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है। और देख सकते हैं आप जो बर्तन वगैरह हैं उन्होंने लटका रखे हैं, तो मैनेज भी करना पड़ता है। हम लोग इंजीनियर हैं, छोटी मोटी जगहों में भी बड़ा सा महल बना लेते हैं और जो महल है वो अपने मन में रखते हैं, जब सफलता मिल जाएगी तो ये रियलिटी भी मतलब हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया यहाँ पे रूम है, कुल मिला के ठीक है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए। और गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं राजकीय पॉइंट एटा में जाऊँगा, वहाँ पर सिटी में ये कॉलेज होगा, तो गाइस इस कॉलेज जो है वो सिटी में बिल्कुल भी नहीं है, ये एटा और सिकंदरा के बीच पड़ता है। हाँ अगर आप रूम लेना चाहते हैं सिटी में तो आप एटा ले सकते हैं। और ये जो आप घर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी रूम मिल जाते हैं, वैसे आपके बजट के ऊपर है, अगर आप सिटी में रहना चाहते हैं तो आप एटा भी रूम ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते भी हैं। और एटा से जो हमारा कॉलेज है वो 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप टेम्पू से आ सकते हैं। और ये है गुलाबपुर गाँव, यहाँ पर भी रूम ले सकते हैं, तो ये 500 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर अभी आप रह सकते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट किया है मेमोस वाला और ये अभी मेमोस सेक रहे हैं, क्या बात है। तो बेटू यार बेटू दुकान कैसे चल रही है, बेटू दुकान कैसे चल रही है, बहुत बड़ी दुकान चल रही है, गूगल पे नहीं चलता है। हाँ महेंद्र पे कह रहे हो भैया, महेंद्र भाई कह रहे हैं गूगल पे नहीं चलता है। लोग यहाँ पर कॉलेज के बिल्कुल पास में ही टहल रहे हैं, तो यहाँ सब लोग टहलते हैं और यहाँ खाने पीने के लिए सारा चीज़ मिल जाता है। हाँ सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, आप कुछ भी खा सकते हैं, देखिए हाँ। मिठाई अंडे केले सेहत बना सकते हैं, उधर पे आप थोड़ा बहुत नमकीन खा सकते हैं। हाँ तो यहाँ सारा कुछ चीज़ है और काफ़ी ठेलियाँ ऐसी अभी चली गई हैं। हाँ शाम को ये जो ठेलियाँ लगाते हैं भैया, तो शाम को मतलब अभी लगाए हुए हैं और कुछ ठेलियाँ चली गई हैं जो कि वो जल्दी ले जाते हैं दूर के होंगे। और अगर आपको कुछ और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खानी हैं तो राजा लॉज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके आप समोसा चाउमीन वगैरह जो होती है। तो यहाँ पर सभी बच्चे टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पर काफी दुकान वकान लगी हुई है। और ये जो कॉलेज है वो सिटी में नहीं है लेकिन नेशनल हाईवे की वजह से यहाँ पर अच्छा लगता है, लाइट फैट भी लगी हुई है तो किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस अगर आप इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस पूरे कॉलेज की भी वीडियो आपको बना दी है और रास्ता जो कहाँ कैसा ये कॉलेज है कहाँ पर है उसकी वीडियो बना दी है, आपको लिंक में दोनों वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और गाइस अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बीटू भाई के मित्र सुखवीर भाई के रूम पर, तो वो भी गुलाबपुर में ही रहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गुलाबपुर गांव वो काफ़ी बड़ा है और ये है बिल्डिंग बीटू भाई की। तो चलिए चलते हैं सुखवीर भाई के रूम पर। सब हम ही बनाएंगे आगे चल के। हाँ बीटू भाई बनाएंगे आगे। We'll be right back.
गाइस ये हमारे सुखबीर भाई जो कि यहाँ पर रहते हैं, तो अभी कुछ लोग अपने घर पर चले गए हैं, तो जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ और कैसे ये लोग रहते हैं और इनका कैसा रूम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई करी है या खेल कूद में टाइम लगा दिया? सर हम दोनों इंजीनियर है। ओ मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। गजब बेइज्जती है। ये देखिए नोट्स लगा रखे हैं भैया जी, देखिए यहाँ पे सब नोट्स निकाल रखे हैं, देखिए है ना जी, सब नोट्स निकाल रखे हैं, ये सब बना के रखे हैं, बहुत पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब एंजॉय करते हैं तो पढ़ते नहीं है, पढ़ाई भी करते हैं ये लोग। देखिए आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के इनके पास नोट्स मिलेंगे आपको, देखिए ये सब नोट्स निकलाए हुए हैं और बनाए भी हैं, ये नहीं कि निकला लिए बनाते नहीं, बनाते भी हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए बहुत सारा भी ये चलता है, ये पुराना है इसलिए मोटा पीस है इसका, अब थोड़ा लग चाहिए पतले आने लगे, थोड़ा पुराना मॉडल है इसलिए लैब का सबके बाद लगता है। तो गाइस सुखबीर भाई और उनके साथियों ने साथ मिलजुल कर भोजन बनाया है, और वैसे भी गाइस बेशक हम लोग अलग अलग रूम में रहते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह ही रहते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह ही माहौल बनाकर रहते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए भोजन को करते हैं ग्रहण। जब आप बाहर पढ़ते हैं या पढ़ने जाते हैं तो आप पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो आपको हमेशा आगे लाइफ में मदद करती हैं, जैसे इंडिपेंडेंसी यानी स्वतंत्रता। जब हम लोग घर से दूर रहते हैं तो हम पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं, यानी हम अपने समय को कैसे यूज करें ये हम पर ही डिपेंड करता है, तो हमें अपने स्वतंत्रता की भावना को विकसित करने में मदद मिलती है, हम अपने निर्णय स्वयं लेना सीखते हैं, अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। हम यहाँ पर सोशल स्किल भी सीखते हैं, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ का एरिया यहाँ के लोग हमारे लिए सब अनजान होता है, हम नए लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे नए दोस्त बनते हैं, हम अच्छे प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है जिससे हमें आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, जैसे हम सभी लोग रूम पर रहते हैं तो खाना भी खुद ही को बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, तो इन सब कामों को और स्टडी को भी ध्यान में रखकर ये सब काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर आके हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि किस प्रकार हमारे माता पिता हम पर भरोसा करके हमें पढ़ा रहे हैं, हमें भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है, और घर में आए हुए पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल चीज़ों को भी सीखने को मिलता है। और सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर हम टीम वर्क करना सीखते हैं कि कैसे एक प्रोजेक्ट पर हम ग्रुप बना के काम करते हैं, कैसे हम एक ग्रुप में रहते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया है कम्प्लीट और आज का ज्ञान भी कम्प्लीट हो गया है, तो चलिए चलते हैं बीटू भाई के रूम पर क्योंकि आज हमें निकलना है अपने रूम पर। तो गाइस ये हमारे बीटू भाई साहब का रूम, तो चलिए बीटू भाई के रूम कर देते हैं एक्सप्लोर।
तो इन्होंने कुछ देसी जुगाड़ लगा रखी है अपने जंगले को बंद करने के लिए, और यहाँ पर टाइम टेबल भी लगा रखा है, इसका मतलब ये डेली कॉलेज भी जाते हैं, और ये इनके पास व्हाइट बोर्ड भी है, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से ही पढ़ाई करते हैं। इसमें बम भर के खजाना है, ठीक है, इसमें खजाना हुआ। और यहाँ पर किताबें बाकायदा लगी हुई हैं, ये देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सामान रखा हुआ है, ये मैकेनिकल वाला कैलकुलेटर है जो भाई साहब यूज कर सकते हैं और इसको कोई यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद भाई साहब का मेकअप सामान है, ये परफ्यूम वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं ना। तो गाइस बी टू वाइज बोलते हैं बाय और चलते हैं अपने रूम पर, और आप लोगों भी करते हैं बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यार क्यों जा रहे हो यार? यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, मुझे नहीं यार।